आपको डब्वाली के गांव रिसालिया खेड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, अमित सिहाग, डॉक्टर के वी सिंह को मजबूती प्रदान करने के लिए गांव रिसालिया खेड़ा में पहुंचे हैं, जहां पर आपको तस्वीर ये दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, वो रिसालिया खेड़ा गांव में। नमस्कार, सीधी तस्वीर आपको डबाली के गांव रिसालिया खेड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा अमित सिहा को एक बड़ी कामयाबी मजबूती देने के लिए जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करने के लिए डबाली के गांव रिसालिया खेड़ा में पहुंचे हैं। तो जहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं, एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए बाय हेलीकॉप्टर सीधे वो डबाली विधानसभा में आज दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं। तो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं जो अमित सिहाग को समर्थन सहयोग वोट की अपील के लिए आमजन से वो आज डबाली के गांव रिसालिया खेड़ा में पहुंचे, जहां पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करने के लिए जो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है रोहतक से, वो आज डबाली दौरे पर हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी एक बड़ी ताकत के रूप में एक बड़ी कामयाबी अमित सिंह को दे सकती है। दूसरी तस्वीर हम आपको इस विशाल जनसभा में पहुंचे लोगों की दिखा रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी खासी संख्या में जो कांग्रेस जन है, जो समर्थक, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर अमित सिहाग, दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए, उनको मजबूती और कामयाबी देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गांव रिसालिया खेड़ा से, जहाँ पर अच्छी खासी जो संख्या में जो लोग हैं वो गांव रिसालिया खेड़ा में इस जन आशीर्वाद सभा में अमित सिहाग को एक मजबूती देने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आपको डबवाली गांव रिसालिया खेड़ा से दिखा रहे हैं, जहाँ से सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, वो अमित सिहा को यहाँ पर एक समर्थन सहयोग देने के लिए पहुंचे हैं। और रिसालिया खेड़ा एक सबसे बड़ा गांव है और बागड़ी बेल्ट में एक नई जोश ऊर्जा भरने के लिए कांग्रेस जनों के अंदर जो दीपेंद्र हुड्डा आज एक आशीर्वाद जनसभा को संबोधित करेंगे, उससे पहले उनका जो कांग्रेस जनों की ओर से बुक्के देकर फूलमालाएं पहनाकर उनका गांव रिसालिया खेड़ा में पहुंचने पर स्वागत किया जा रहा है, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा को पगड़ी पहनाकर सम्मान पूर्वक गांव रिसालिया खेड़ा और कांग्रेस जनों की ओर से उनका यहां पहुंचने पर जो स्वागत किया गया है। तो ये तस्वीर आपको रिसालिया खेड़ा से दिखा रहे हैं, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस जनों की ओर से पगड़ी पहनाकर और उनको बुके देकर उनका सम्मान किया जा रहा है। होने वाले विधायक जिनकी पहचान पहले टर्म में आपने भेजा पिछली बार, और इन 5 सालों में जो इनका प्रदर्शन रहा हरियाणा विधानसभा में, आज हरियाणा के कोने कोने में लोग कहीं भी जाएं तो कहते हैं वो डबवाली के विधायक जैसा काम कर रहा है हमारे भाई अमित सिहाग। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है कि सही बात है कि चलो एक उम्मीदवार के रूप में जनता आशीर्वाद दे रही है, खुले मन से आशीर्वाद दे रही है। मगर इससे भी ज्यादा खूबसूरत बात आज की तारीख में ये है, पहली बार लंबे समय के बाद जनता मुद्दों पे बात कर रही है, जनता कह रही है सही और गलत क्या है उसके बीच में अंतर करने का, फर्क करने का प्रयास कर रही है। जनता केवल नाम के पीछे नहीं देख रही, जनता काम को देखने का प्रयास कर रही है। तो मैं मानता हूं प्रजातंत्र का जो माहौल हम पैदा करना चाहते थे वो दिखाई दे रहा है, और इसलिए मैं कहूंगा कि ये 3 चीजें जो जरूर जिन कारण से आपको अपने भाई और बेटे के 2 नंबर के हाथ के निशान पर मोर लगानी चाहिए, बटन दबाना चाहिए। पहला कारण, इस चुनाव के बाद राजनीति बदलेगी, शराफत और विकास की राजनीति के भागीदार आप बनोगे। मेरे लिए नहीं है, मैं तो केवल एक चेहरा हूं। आने वाले समय में 10-15 साल बाद अगर मेरे बाद भी कोई यहाँ पर आके राजनीतिक रूप से सोचेगा, ये राजनीति सभी परिवारों के लिए खोलने का काम करेगा, कुछ परिवारों तक सीमित नहीं रहेगी। शराफत और विकास की राजनीति इसको कहते हैं, जहाँ खुले मन से अपनी बात कर सको, और मैं चाहे मेरा तिरस्कार करना हो, मेरे खिलाफ बात करनी हो, तो खुले मन से कह सको, वो ये माहौल पैदा करेगी इस चुनाव के बाद। दूसरा कारण जैन साहब, दूसरा कारण मैं मानता हूं कि जो लंबे समय बाद 91 में आखिरी बार था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, कांग्रेस पार्टी का विधायक यहां से था,
तो मैं मानता हूं इतने लंबे समय के बाद एक सुनहरी मौका है, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता, मगर उसके अंदर आपकी भागीदारी होगी। और मैं मानता हूं पिछली बार डॉक्टर साहब और हमने एक नारा दिया था, एक वोट से दो विधायक मिलेंगे, वो डॉक्टर साहब ने सिद्ध करके दिखाया, मैंने सिद्ध करके दिखाया। पहली बार आपको विपक्ष में एक ऐसा विधायक बना मिला जिसने आपकी हर मुद्दे पे आवाज उठाने का काम किया, और डॉक्टर साहब ने 365 दिन में से 325 दिन मैं मानता हूं आपकी सेवा दुख सुख में यहां करने का काम किया। मैं नारे को बदलना चाहता हूं, इस बार एक वोट से आपको दो बड़ी ताकतें मिलेंगी, जहां डॉक्टर साहब का बड़ा रुतबा अपना तजुर्बा है, आपके भाई का युवा जोश है, मगर वहां पे साथ साथ मैं मानता हूं दीपेंद्र हुड्डा जी जैसे बड़े भाई की ताकत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ये मैं कहता हूं क्योंकि उनकी राजनीति का आधार भी केवल और केवल सम्मान है, मान सम्मान, प्यार और विकास है, तो जब सब दोनों विचारधाराएं मिलती हैं तो विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, दूसरा कारण। और तीसरा बड़ा कारण मैं मानता हूं जो कांग्रेस पार्टी को दूसरी पार्टियों से भिन्न करने का काम करती है, अलग करने का काम करती है, खास के पिछले 3 सालों में कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि भी हम राजनीतिक रूप से ताकत भी आप लोगों से लेंगे, और जब सरकार बनेगी तो वो ताकत वापस भी आपको लौटाने का काम करेंगे। भाजपा जजपा जैसे लोग जो ताकत तो आपसे लेते रहे गुमराह कर, मगर सही मायने या तो बड़े उद्योगपतियों को या खुद की जेब को भरने का काम करते रहे। दीपेंद्र जी, यहाँ तो ये हालात हो गए कि इस बार जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी माता जी जो मुझसे पहले विधायिका थी यहाँ से, उन्होंने एक जगह प्रश्न किया, ये राजनीतिक सोच है, एक जगह ये कहा कि लोग कहते हैं अमित बड़ा शरीफ है तो राजनीति में क्यों है, ये भी बात है कि राजनीति का आधार यहाँ पर होना चाहिए, मतलब गुंडागर्दी होनी चाहिए, डराना धमकाना होना चाहिए, कहते जी राजनीति में क्यों अगर शरीफ है, तो मैं मानता हूं उसको बदलोगे। मगर जो तीसरा बात है, जैसे मैंने कहा जहां उनकी राजनीति ये है, कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र को अगर खंगाल के देख लो तो अपने आप आपको वो हुड्डा साहब दीपेंद्र जी बताने का काम करेंगे, मगर उस घोषणा पत्र को खंगाल कर देख लोगे तो सही सामायने में स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो नीतियां हैं ये आपके हक में बनाने का काम कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े स्तर पर कर रही है। तो जब सरकार भी बदलेगी तो यहाँ की राजनीति बदलेगी, सरकार बदलेगी राजनीतिक ताकत मिलेगी, और जब सरकार बदलेगी कांग्रेस पार्टी की तो बड़ी नीतियों का फायदा आपको मिलेगा। जब तीनों पहलू आप जोड़कर देखोगे तो मैं मानता हूं कोई भी सही सोच रखने वाला व्यक्ति किसी पार्टी से भी जुड़ा हुआ आज यहाँ पर बैठा है, उसको ये सोच लेना चाहिए अपने हलके के, अपने क्षेत्र के, अपने गांव के विकास के लिए आज आपको कांग्रेस पार्टी को मोहर लगाने का काम करना है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ।